जय हिंद, नमस्ते। मैं शिवम तिवारी वापस स्वागत करता हूँ एक शानदार वीडियो में। अभी मैं खड़ा हूँ खांडेश्वर स्टेशन के पास में। अभी जो आप ये रोड देख रहे हैं, ये खांडेश्वर स्टेशन से ही आ रहा है। ये जो लोग जा रहे हैं, ये खांडेश्वर रेलवे स्टेशन से ही जा रहे हैं, और हम भी जा रहे हैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे लोकेशन पे, क्योंकि जैसा मैं आपके लिए एक अच्छे अच्छे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स लेके आता हूँ, तो आज प्रोजेक्ट नहीं, मैं पूरा एक लोकेशन लेके आ रहा हूँ। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं एक बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही शानदार और एक बहुत ही अपकमिंग डेवलप, मैं कह सकता हूँ प्राइमेस्ट लोकेशन पे नवी मुंबई के। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं करंजड़े। करंजड़े जो कि बहुत ही लोगों ने सुना भी होगा, और हो सकता है कि बहुत लोगों ने सुना ना हो। करंजड़े जाने के लिए बहुत सारे कनेक्टिविटी रोड है ऑलरेडी। अभी हम फिलहाल गाड़ी में है, तो हम JNPT रोड से जाएंगे। वैसे तो करंजड़े जाने के लिए पनवेल रेलवे स्टेशन से अभी फिलहाल शेयरिंग रिक्शा, शेयरिंग ऑटो वगैरह भी अवेलेबल है। देखिए, मुझे खांडेश्वर स्टेशन से करंजड़े लोकेशन जाने में एक आप बोल सकते हैं हार्डली 5-10-12 मिनट्स तक लगता है मुझे, उससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। और एक बेसिक स्पीड पे, मैं 60-70 के ऊपर मैं गाड़ी चलाता भी नहीं हूँ। तो अभी आप जो रोड देख रहे हैं, दिस इज JNPT रोड। आपको पता ही होगा कलम्बोली सर्कल से अटैच होके JNPT रोड है। JNPT रोड पे ही करंजड़े बसा हुआ है, जिसे पता नहीं लोकेशन में उसे बताना चाहूंगा। करंजड़े का आज के डेट में जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अगर हम कहें, या कनेक्टिविटी जो आप कहते हैं, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज खांडेश्वर रेलवे स्टेशन एंड पनवेल रेलवे स्टेशन। आप कह सकते हैं कि करंजड़े अपने आप में दोनों रेलवे स्टेशन के एक बीच का लोकेशन है। आप सभी को पता होगा कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि भारत का एक सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन विमान अड्डा, हवाई तल होने वाला है भविष्य में, और जिसका ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन काफी जोर शोर में चल रहा है, जिसके मैं आपको कुछ शॉट्स वगैरह भी दिखा दूंगा। अभी रस्ते में भी पड़ेगा तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। करंजड़े ये ठीक नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने बसा हुआ है। तो आप ये सोचिए दोस्तों कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये डोमेस्टिक भी नहीं कह रहा, दिस इज अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ से आप इंटरनेशनल बाहर देश में जा पाएंगे, बाहर गांव में जा पाएंगे। तो आप सोचिए, अगर एक ऐसा लोकेशन जो कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र आप समझ लीजिए 1-1.5 किलोमीटर होगा, क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्या उसके प्राइसेस हाइक होंगे या नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। सोचिए दोस्तों, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है ये लोकेशन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो इसकी डिमांड कितनी ज्यादा होगी जिस समय एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा, जो कि अभी आप एस्टिमेट अगर देखें आप इंटरनेट के माध्यम से, तो 2025 तक का एक डेडलाइन है। फेज वाइज डेवलपमेंट हो रहा है, तो पहला फेज 2025 तक हो जाएगा। और देखिए, बात करते करते ही हम नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साइट पे पहुंच गए। हालांकि यहाँ से दिखे या ना दिखे आपको, तो ये है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मैं आपको एक दो ड्रोन शॉट भी दिखा दूंगा। मेरे पास ड्रोन शॉट है इसके ऑलरेडी। तो ये जो आप देख रहे हैं, काम जोर शोर में चल रहा है। चाहो तो आप जूम करके दिखाइए एक बार। ये एकदम जोर शोर में काम चल रहा है, और 2025 तक का जो डेडलाइन है वो शायद पूरा हो जाए। और इसी के ठीक सामने, जैसे मैंने बताया, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो दिस इज करंजड़े। ये है करंजड़े का लोकेशन, वर्ड घर करंजड़े काफी नाम है इसके। और अभी मैं आपको जहां लेके जा रहा हूँ वो है वरछे अवले। देखिए दोस्तों, अब आपको खुद आप अनुमान लगाइए। आप खुद एक स्मार्ट ग्राहक है, स्मार्ट इन्वेस्टर है, आप खुद सोचिए ये लोकेशन कितना ज्यादा प्रॉमिसिंग है। अगर मैं इसकी एक फैक्चुअल इसकी बात करूं, तो दोस्तों आज से 5-6 साल पहले, यानी करीब आप समझ लीजिए 2015-16 की बात अगर मैं कहूँ, तो 2015-16 में इस एरिया में रेट चल रहा था 2600 से लेके 3000 के आसपास पर स्क्वायर फीट। और आज की डेट में अगर इसका रेट आप देखे, तो यानी ये 5-6 साल की मैं बात बता रहा हूँ, यानी आज के समय में अगर इसका हम पर स्क्वायर फीट रेट निकाले, तो दैट विल बी अप्रोक्स 5000-6650। अभी आप जो सामने देख रहे हैं, ये आपको बहुत ही ध्यान देना चाहिए। ये जो ब्रिज जा रहा है आपके ऊपर से, ये है MTHL। यही रोड आपको MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर सीलिंग, नावा शिवा सीलिंग से यही रोड कनेक्ट करेगा दोस्तों। तो सोचिए, करंजड़े लोकेशन
बाद में मुंबई से कितना ज्यादा वेल कनेक्टेड हो जाएगा। और अभी अभी फिलहाल आप देखेंगे तो खांडेश्वर और पनवेल रेलवे स्टेशन ये नियरेस्ट है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी एक रेलवे स्टेशन का निर्माण प्रपोज्ड ऑलरेडी है? इतनी बड़ी जनसंख्या जहां रहेगी, क्या उसे एक लोकल स्टेशन का निर्माण, एक लोकल स्टेशन का लाभ उठाने का मौका मिलेगा या नहीं, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। दोस्तों आज के डेट में एक अनुमान में लगाऊं तो 25,000 से 30,000 लोग ऑलरेडी यहाँ बस चुके हैं करंजड़े में, और मोर देन 2,000 प्रपोज प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे थे। काफी हद तक मतलब मैं बोल सकता हूँ 50-60% ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। एक फ्लैट का ऑल इंक्लूसिव रेट जो कहते हैं या बॉक्स प्राइस जो आजकल रेट के चलन चले हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस लोकेशन में एक अराउंड आप समझ लीजिए मिनिमम से मिनिमम आपको 35 लाख से लेके 32 लाख से लेके आपको 42-45 लाख तक 1 BHK मिल जाएंगे। डिपेंड करता है बिल्डिंग कितने हाइट की है, उसका एमिनिटीज क्या है और उसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई है। दोस्तों अभी आप देखेंगे कि मैं एक अलग लोकेशन पे हूँ, यानी ये भी करंजड़े का ही एक हिस्सा है जो कि ये लोकेशन काफी शानदार है, लेकिन ये भी काफी कम लोगों को पता है। वडघर इस लोकेशन का नाम है या वर्चे अवले, ये सिटको का लोकेशन है, MPSC कॉलेज जो कि महात्मा फुले वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कॉलेज हम कह सकते हैं पनवेल का, तो ये उस लोकेशन में ही है। ये लोकेशन सेक्टर 1 पुष्पक नगर नोड यहीं से शुरू हो जा रहा है आप समझ लीजिए दोस्तों, और ये लोकेशन भी अपने आप में एक वेल प्रॉमिसिंग लोकेशन है। काफी शानदार काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी आ चुके हैं, G+4 G+7 G+9 की बिल्डिंग आपको देखने मिलेगी। दूसरी चीज दोस्तों, ये लोकेशन से एक्चुअली खांडेश्वर स्टेशन पास में, क्योंकि इससे डायरेक्ट हाईवे कनेक्टेड है, फ्यूचर में यहाँ पे प्रपोज मेट्रो स्टेशन भी आपको मिल सकता है। टी पॉइंट जो मैंने आपको दिखाया कि जहाँ से आपका MTHL मुंबई ट्रांसहार्बर सीलिंग जा रहा है, उसी के आसपास एक मेट्रो लाइन भी आने का ऑलरेडी प्रपोज प्लान है। अभी भी आप देखेंगे तो एरिया में काफी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काफी बिल्डिंगें कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड अभी आप देखेंगे तो कच्चे हैं, आप देखेंगे तो ये सारी चीजें। तो देखिए कभी भी आप ऐसी ही लोकेशन चूज करिए अपने लिए, पहली चीज पूरा सेक्टर जो है वो सिटको का लोकेशन है, सिटको का सेक्टर है, तो इसमें ये तो है कि जो भी डेवलपमेंट है, जो भी रोड है वो वेल प्लान डेवलप्ड होने वाले हैं, ठीक है, उसमें हाला कोई भी कमी नहीं होगा आपको दोस्तों। तो सबसे पहले आप कभी भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन की लोकेशन पे लीजिए जहां का लोकेशन अभी डेवलप हो रहा है। देखिए डेवलपिंग लोकेशन में लेने के वजह से आपको बहुत ही ज्यादा फायदे है। डेवलपिंग लोकेशन में अगर आप कोई भी प्लॉट ले रहे हैं या कोई भी फ्लैट ले रहे हैं या कहीं पे भी अपना निवेश कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, डेवलपिंग लोकेशन के साथ साथ आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपके फ्लैट है, उसका भी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता है। जब ये लोकेशन डेवलप हो जाएगा उस समय आप सोचिए आपकी जो प्रॉपर्टी उसकी वैल्यूएशन कितना होगी। आज के डेट में इस लोकेशन में हमारे खुद के ही 2-3 प्रोजेक्ट्स है चालू। अगर उसके एक प्राइस रेंज की बात करूँ तो हम आपको सबसे अफोर्डेबल सेगमेंट हम ऑफर कर रहे हैं, जिसमें हम 1 BHK हमारे चालू करते हैं एक अराउंड 31 लाख के आसपास से, ऑल इंक्लूसिव की मैं बात करूँगा दोस्तों, तो 31 लाख से लेके मेरे पास 40 लाख तक के ऑप्शन है इसमें 1 BHK के, तो उसके भी वीडियो मैं जल्द ही बना के डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। और ओवरऑल ये लोकेशन के बारे में मैं और भी वीडियो डालूंगा, ये वर्चुअल अवले या वडघर जो लोकेशन है स्पेसिफिकली इसके बारे में मैं और ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ये तो एक हम रस्ते में आ रहे तो सोचा कि हमारे साथ साथ आपको भी ले चले, आपको ये लोकेशन के बारे में थोड़ा सा एक अंदाजा दे दे। काफी लोगों को तो पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके साथ आप शेयर करें, उन्हें भी पता लगने दीजिए कि नवी मुंबई किस तरीके से एक उभरता हुआ शहर बन रहा है, एक उभरता हुआ आप कह सकते फ्यूचर है। इसके साथ अलविदा लेता हूँ, मैं मिलता हूँ एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ, और तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।